चैतन्य महाप्रभु जब आए तो क्या सिचुएशन थी बंगाल की, उसके बारे में 5 मिनट में समझते हैं। महाप्रभु का तत्व क्या है उसको समझते हैं। और प्रभुपाद ने ये जो 5 मॉर्निंग लेक्चर्स दिए थे न्यूयॉर्क में 1967 में, उससे उन्होंने इंट्रोडक्शन पूरा कंपाइल किया है, तो उसको समझते हैं। तो जैसे हमने भगवत गीता में देख और भागवतम में हमने हमेशा समझा है कि सीक्वेंस है, कनेक्शन है, कि भगवत गीता जहाँ पे समाप्त होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहाँ से भागवतम स्टार्ट होती है कि सारे कैटव धर्मों को त्याग कर दो और केवल जो एक ही धर्म है और वो क्या है, वो भगवान की भक्ति करना है। तो सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे, इसको वो एस्टेब्लिश करती है भागवतम। लेकिन भागवतम के साथ इशू और हमारे साथ क्या इशू है, भागवतम जो रोल मॉडल्स दे रही हैं, जो एग्जांपल्स दे रही हैं और जो प्रोसेस दे रही है भक्ति करने के लिए, वो रोल मॉडल वो प्रोसेस हम लोग बहुत रिलेट नहीं कर पाते उनसे। अब वो कोई राजा है तो फिर अपन पढ़ते हैं कि वो राजा केवल धरती का नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ का राजा है, फिर कोई है पूरी धरती का राजा है, कोई जो है वो कितने सारे द्वीपों का राजा है, तो वो हमको ज्योग्राफी नहीं पता तो हम उससे बहुत कनेक्शन नहीं कर पाते। और दूसरी बात, वहाँ भक्ति के एग्जाम्पल हैं, जैसे नारद मुनि हैं भक्ति के एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे भक्ति कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे संकीर्तन का गुणगान है, वो शुरू में भी है, फर्स्ट कैंटो में भी है, फिर उसके बाद 12th कैंटो में भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे रोल मॉडल नहीं है कि संकीर्तन जो है वो उसका कोई रोल मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। तो हम भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन भागवतम हमेशा एक ऐसे प्लेन एक लेवल पे बात करती है जो प्लेन लेवल हमको मैच नहीं करता, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच नहीं करता। चैतन्य चरितामृत क्यों हमको स्वीट लगती है हमेशा जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो केवल 500 साल पहले की दुनिया के एग्जाम्पल, जिनके साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं, उनकी सोचने का तरीका, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी रोज की जो स्ट्रगल है और जो स्ट्राइफ चल रही है उनकी लाइफ में, वो लगभग हमारे जैसी है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। अब प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बीच में लिखा है एक जगह कि चैतन्य चरितामृत जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मतलब वो लिखते हैं वहाँ पे कि जिसने भगवत गीता पढ़ ली हो, भागवतम पढ़ ली हो, उसको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का तत्व इतना आसान नहीं है समझना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चैतन्य महाप्रभु का तत्व समझना आसान नहीं है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पहले चैतन्य चरितामृत में समझाया, और इसीलिए चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का पहला पार्ट पढ़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु के तत्व को तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, हमको समझ में ही नहीं आता है। महाप्रभु का तत्व बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे बैक टू गॉडेट के अंदर एक आर्टिकल छपा महाप्रभु के बारे में, बहुत पुरानी बात है, तो वो जब आर्टिकल छपा तो उसमें उन्होंने जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रहता है उसको उन्होंने कोट किया कि हु इज महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या कहती है उनके बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है कि ही वॉज अ ग्रेट सेंट, ए रिफॉर्मर एंड मैनी बेंगोली फॉलोअर्स आर देयर। ये चैतन्य महाप्रभु का जनरल इंट्रोडक्शन है। तो ये केवल एनसाइक्लोपीडिया का इंट्रोडक्शन नहीं है, जनरली भी हम भी जब तक इस मूवमेंट में नहीं आए थे, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु वैसे थे जैसे हमारे लिए तुकाराम है या हमारे लिए कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग के एक महान संत हैं। तो ज़्यादातर लोग उनको केवल संत के लेवल पे या रिफॉर्मर के लेवल पे मान लेते हैं, उससे ऊपर का लेवल महाप्रभु को समझने का जो है वो ये है कि वो बेसिकली भक्ति का प्रचार करने के लिए और युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। उससे हायर लेवल महाप्रभु को समझने का ये है कि महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो आए हैं स्पेशली हमको कृपा देने के लिए। तो जब हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे आगे प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन को भी, तो वो भी इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने भागवतम के समय पढ़ा था कि भगवान जब अपने स्वधाम चले जाते हैं तो वो क्या छोड़ जाते हैं,
या किस चीज का उदय होता है? भागवतम का उदय होता है। तो भगवान अब नहीं है, लेकिन अब उनको कौन देगा इन्फॉर्मेशन? अब उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कंडेंस फॉर्म में भागवतम के अंदर। ऐसे ही महाप्रभु जब चले गए, तो महाप्रभु कैसे गए? महाप्रभु का कोई ऐसा नहीं था कि वो 90 ईयर्स के हो गए हैं तो अब इनएविटेबल था कि वो जाने ही वाले हैं। महाप्रभु बस सडनली और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के डिपार्ट कर गए। ये बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि अब वो केवल 48 ईयर्स के हैं। अभी तो उन्होंने साउथ इंडिया यात्रा करके भक्त बनाए हैं, अभी तो वाराणसी गए हैं, वृंदावन गए हैं, अभी उनके डिवोटीज डेवलप हो रहे हैं पुरी में और उड़ीसा में और बंगाल में, और सडनली जो सबसे बड़ा लीडर है मूवमेंट का वो चला जाए। अब ये जो चले गए तो एक बड़ा वैक्यूम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं अभी उनमें बहुत अभी उतने मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनके जो मैच्योर फॉलोअर्स हैं वो तो उनके बाद तुरंत एक के बाद एक चले गए। तो फाइनली मूवमेंट में कौन बचा? कुछ फॉलोअर बचे जो बंगाल से पूरी आते जाते थे, और कुछ उनके फॉलोअर बचे जिनको वृंदावन में उन्होंने भेज दिया था। अब इसके बाद दो अलग अलग तरह से लोगों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को डेवलप किया अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जो बंगाल का मूवमेंट था वो इट वाज वेरी रसिक मूवमेंट, और जो वृंदावन का मूवमेंट था इट वाज वेरी सिद्धांत फिलोसॉफी वाला मूवमेंट। इसीलिए महाप्रभु पे जो पहले दो पुस्तकें लिखी गई, मेन बड़ी पुस्तकें, छोटी पुस्तकें तो और भी लिखी गई, बट उनके ऊपर उस समय तक जब चैतन्य चरितामृत लिखी जा रही, 7-8 बायोग्राफी लिखी जा चुकी है। उसमें से मेन है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, और उसके बाद में मुरारी गुप्ता जी का कड़च जो थे वो भी पब्लिश हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बाद में भी एक और बुक लिखी, जैसे अष्ट पहर अपन ध्यान करते हैं भगवान कृष्ण का, वैसे ही महाप्रभु की भी एक पुस्तक है वैसी ध्यान करने की। तो अब ये दो अलग अलग तरह से डेवलप हो रहा था, एक जगह फिलोसॉफी बहुत डेवलप हो रही थी, एक जगह जो है वो भगवान को नवदीप चंद्र के रूप में देख के विजन करके और वो एक भाव के रूप में अलग डेवलप हो रहा था। अब इसमें यूनिक पोजीशन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मैक्सिमम समय नवद्वीप में रहे, तो उन्होंने वो वाला मूवमेंट देखा है, उसको अनुभव किया है, महाप्रभु के बारे में भाव और सब कुछ समझा है, और उसके बाद वो बहुत जब मैच्योर हो गए हैं उस अंडरस्टैंडिंग में, तब ऐसा होता है एक बार उनका कुछ तो अनबन होती है अपने भाई के साथ में, और उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आते हैं, और नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आके उनको क्या बोलते हैं? तुम वृंदावन चले जाओ। तो वो उसी समय वृंदावन के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह, और ये वृंदावन पहुंच जाते हैं। अब वृंदावन में इनको किसका संग मिल रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी का मिल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्सनली महाप्रभु को बहुत क्लोजली सर्व किया कई साल तक, तो वो अब उनको राधा कुंड के वहां पे शेयर कर रहे हैं बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और जब वो शेयर कर रहे हैं तो ये कौन है? कृष्णदास कविराज हैं, मतलब कि महान राइटर हैं ये। तो महान राइटर हैं तो वहां महान भक्त भी हैं और वहां महान राइटर भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लिखो महाप्रभु के बारे में, क्योंकि आप लिख सकते हो। अब ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं तब तक, समथिंग अकीन टू व्हाट प्रभुपाद इज एक्सपीरियंसिंग जब वो भागवतम की टीका लिख रहे हैं, तो उनको नहीं पता है कि वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और बीच बीच में इसीलिए वो दूसरे असाइनमेंट भी लेने हैं उनको। तो ऐसे ही हम देखते हैं, तो एक तरह से चैतन्य चरितामृत बहुत स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी भी समाप्त कर दी। और उन्होंने उसके लिए क्या बोला? उसके पीछे दो कारण है, एक उनकी एज रीज़न है ऑब्वियसली, और दूसरा रीज़न है कि दो वैष्णवों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। तो ऑलरेडी अगर उनसे सीनियर वैष्णव ने महाप्रभु की लीलाओं को डिस्क्राइब कर दिया है अर्ली पास्ट टाइम्स को, तो वो फिर से उसको नहीं लिखेंगे, ये एक वैष्णव एटिकेट भी है, इसलिए भी वो नहीं लिख रहे। तो अब उनको लिखना है तो वो बड़े अभी डिलेमा में कि लिखें कि नहीं लिखें। तो वो स्टोरी हम बाद में अगली बार भी देखेंगे कि कैसे मदन मोहन जी ने फिर उनको एक तरह से आदेश दिया कि आप लिखो, तो फिर उन्होंने इसकी रचना चालू की। यूनिक बात क्या है? ऑलरेडी चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, और भी बायोग्राफीज हैं,
तो यूनिक बात क्या है चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य चरितामृत एक ऐसी चीज है जिसने जो बंगाल में जो भाव था और वृंदावन में जो फिलोसफी थी उस दोनों को मिला दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ते टाइम एकदम से फिलोसफी आएगी, फिर कोई स्टोरी आ जाएगी, फिर फिलोसफी आ जाएगी, फिर स्टोरी के अंदर फिलोसफी आ जाएगी, तो हम कम से कम फिलोसफी समझ पा रहे हैं महाप्रभु। इसको कैसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद ने एक पुस्तक पहले लिख दी थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ो तो बहुत ड्राई सी लगती है कई बार बीच बीच में, क्योंकि स्टोरीज नहीं है उसके अंदर, उसमें बहुत शॉर्ट में स्टोरीज है। मेनली प्रभुपाद ने ये सोचा कि मैं चैतन्य चरितामृत पूरी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो मैं मेन जो क्रक्स है फिलोसफी का वो देके जाऊँ, इसलिए उन्होंने TLC खुद लिख दी। तो ऐसे ही चैतन्य चरितामृत को भी इसी तरह से कंपाइल किया गया कि ऑथर जो है वो इज नॉट श्योर कि वो कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ों को फास्ट कंप्लीट किया, कुछ चीज़ों को पहले समराइज कर दिया, फिर आखिरी में जाके अंत लीला में एलाबोरेट किया उसको। ऑलरेडी वो पहले समराइज कर दिया, लिख भी दिया वहाँ पे, उन्होंने लिखा भी है कि मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैं पूरी कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है चैतन्य चरितामृत के डेवलप होने का कि, और ये हमने ग्लोरीज भी देखी कि चैतन्य चरितामृत कैसे किसी और बायोग्राफी से ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है, क्योंकि वो रेफर किस चीज़ को कर रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, जो सबसे हम्बलेस्ट डिवोटी हैं महाप्रभु के और बहुत एस्टेब्लिश्ड वैष्णव हैं उनके ट्रेडिशन में। वो रेफर कर रहे हैं मुरारी गुप्ता के जो नोट्स हैं उसको, वो रेफर कर रहे हैं बाकी ऑथेंटिक सोर्सेस को जो आते थे और उनको जिसके साथ जो घटना हुई उन्होंने सुनी। और दूसरा, ये बहुत बाद में नहीं लिखी गई इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि इसमें बहुत एडिशन या बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन या ऐसा नहीं है, जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है। दूसरी, ये पहली बुक है जो बिल्कुल शास्त्रिक आधार पे इस बात को एस्टेब्लिश करती है कि महाप्रभु जो है वो सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड है। और इसको कैसे उन्होंने किया ये भी बहुत यूनिक तरीका है। पूरी चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि बीच बीच में शास्त्रों के श्लोक आते हैं, भागवतम के चतुश्लोकी आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा, तो बेसिकली बीच बीच में वो शास्त्रों से कोट करके अपनी बात को एस्टेब्लिश करते हैं और फिर वो उस शास्त्र से कोट करते हैं और उसी बात को बंगाली में अपनी भाषा में भी लिख देते हैं कि किसी को संस्कृत नहीं आती हो तो बंगाली बंगाली पढ़ ले तो उसका काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो लगती है चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए वो उसकी पोएटिक मीटर कितना सुंदर, जब कोई अच्छे से गाता है उसको तो इट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग। प्रभुपाद कहते थे इट इज़ अ बंगाली स्वीट, आप कहीं से भी उसको खाओगे तो वो मीठी लगेगी, इट इज़ लाइक रसगुल्ला। अब प्रभुपाद जब लेक्चर अपना चालू करते हैं न्यूयॉर्क में तो वो सबसे पहले वर्ड समझाते हैं चैतन्य चरित अमृत, इतने अच्छे से समझाते हैं कि चैतन्य का मतलब होता है लिविंग फोर्स, चरित का मतलब होता है कैरेक्टर और अमृत का मतलब होता है इमॉर्टल। और फिर वो इसको एलाबरेट करते हैं सच ए ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, अमेजिंग, कि चैतन्य तो हम भी हैं और चरित तो हमारा भी हो सकता है कैरेक्टर, लेकिन हम अमृत नहीं है। तो बोले आप पे अगर किताब लिखी जाएगी तो आप चैतन्य चरित लिख सकते हो किताब अपने नाम रहे, लेकिन अमृत नहीं है। बोले अमृत नहीं है विषय उसके अंदर, अमृत इसलिए नहीं है क्योंकि फिर उसको वहीं वो, ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ने में जो यूनिक बात लगती है कि पूरे समय वो बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की और कोट कर रहे हैं भगवद गीता को, तो समथिंग ही इज एस्टेब्लिशिंग कि अगर कोई सीधे आ जाए पढ़ने के लिए चैतन्य चरित अमृत, ना पढ़ी हो भगवद गीता, तो वो अथॉरिटी भगवद गीता की ज़्यादा है उसके मन में, तो वो भगवद गीता को कोट करके अच्छे से समझा देते हैं उसको कि आप जो है वो क्या हो, आप इन्फीरियर एनर्जी हो भगवान की, मतलब मार्जिनल एनर्जी हो, आप इन्फीरियर एनर्जी के साथ में संग कर रहे हो इसलिए आप अमृत नहीं हो अभी, तो आपका चैतन्य चरित हो सकता है लेकिन अमृत नहीं हो सकता आपका। और फिर वो कठोपनिषद को कोट करके बताते हैं, बोले भगवान को और हमको समझने का सबसे आसान तरीका, वो एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं कि बोले एक सूर्य है आसमान के अंदर और एक क्लाउड है, क्लाउड से सूर्य ढक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लाउड्स ने सूर्य को ढक दिया, हमारे परसेप्शन से वो ढक गया। बोले ऐसे ही जब मायावादी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ लेकिन मैं अभी माया में हूँ, तो बोले ये बोगस बात है क्योंकि भगवान कभी माया में नहीं आ सकते, क्योंकि सूर्य बहुत ऊपर है,
माया तो क्लाउड के जैसी। बोले ये हम लोग आ सकते हैं क्योंकि हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब ये उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले लेक्चर में उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि भैया जितने बैठे हैं ये अपने आप को भगवान ना समझें। फिर उसके बाद में बोला कि महाप्रभु को अपने जैसा मत समझो। दूसरी बात जो उन्होंने एस्टेब्लिश की कि पहला ये समझ लो कि आप कुछ नहीं हो, फिर आप ये समझ लो कि महाप्रभु आपसे बहुत 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 महान है, वो स्वयं भगवान है। तो बोले फिर वो नीचे क्यों आए? तो वो कहते हैं कि जैसे एक टीचर को अगर वो क्लास में देखता है कि बच्चा ABC नहीं लिख पा रहा है तो वो क्या करता है, हाउस हाथ पकड़ता है या स्लेट पे खुद से ABC लिखता है। तो बोले जब वो ABC लिख रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी क्लास 1 का स्टूडेंट है, बोले ये टीचर है। तो ऐसे ही महाप्रभु जब यहाँ पे आए तो वो क्या कर रहे हैं? बोले महाप्रभु यहाँ पे आके ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेवियर करके भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसको सिखा रहे हैं। तो फिर वो भगवद गीता कोट करते हैं, बोले भगवान ने कहा 18.66 में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले सारा नॉनसेंस छोड़ो और मेरे को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो बोले हमने क्या उत्तर दिया? हमने बोला अरे मैं सरेंडर, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत माया के अंदर हैं हम, तो हम क्या कहते हैं नहीं नहीं मैं अभी आपको सरेंडर नहीं करूंगा। और माया क्या कहती? हाँ हाँ सरेंडर मत कर देना, तुम मेरे कब्जे में हो, मैं तुम्हें किक मारूंगी, तुम अगर चले जाओगे उस तरफ तो मैं किसको किक मारूंगी। ऐसे भगवान का वो एग्जाम्पल देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि माया कई तरीके से हमको ट्रैप करने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाएं तो हम माया को छोड़ सकते हैं। बोले माया को कैसे छोड़ सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु का वो यहीं पे सबसे पहला जो लीला बता रहे हैं प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में, वो जूनियर हरिदास की बता रहे हैं। बोले जूनियर हरिदास था, बोले उसने लस्टफुली एक फीमेल को देखा, भगवान ने बोला कि तुम सन्यासी बनने का ढोंग करते हो, तुम जाओ यहाँ से। तो बोले बाकी सब डिवोटीज ने प्रे किया कि महाप्रभु माफ़ कर दीजिए। महाप्रभु ने बोला हाँ आप सब लोग माफ़ कर दो और आप सब लोग भी उसके साथ चले जाओ, मैं अकेला रहूँगा, लेकिन मेरे साथ जिसको रहना है उसको स्टैंडर्ड से रहना। और फिर तुरंत प्रभुपाद उसको बैलेंस करते हैं कितने अच्छे से। वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है, महाप्रभु के पास एक बहुत अच्छे गृहस्थ फैमिली आई जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का नाम महाप्रभु ने रखा। बोले इसका बड़ा हो तो ये नाम रखना। तो बोले ऐसा नहीं है, महाप्रभु रिकॉग्नाइज करते हैं अगर आप प्रॉपर सही गृहस्थ हो, लेकिन आप अगर सन्यासी हो और आप लस्टफुल हो तो उसको महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये पहली स्क्रीनिंग प्रभुपाद ने लगा दी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये चैतन्य चरितामृत पढ़ के हमको समझ में आएगा कि इस माया से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और इस माया से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जो इस माया के अधीन नहीं है। फिर वो वापस भगवद गीता पे आते हैं और कहते हैं कि भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है वो कभी भी च्युत नहीं होते अपने स्थान से। तो इस प्रकार से अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो हम उनके साथ में रहेंगे और माया से दूर हो जाएंगे। पर भगवान की भी एक माया है फिर प्रभुपाद समझाते हैं, और वो उनकी इंटरनल पोटेंसी है। अब वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये जो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, ये सारी चीज़ों को भगवान के धाम में कंट्रोल करती है, और ये इंटरनल पोटेंसी का एक नाम है, वो आह्लादनी शक्ति है भगवान की। तो फिर वो समझाते हैं कि अब कैसे हम इनकी सेवा करेंगे भगवान की। तो बोले ये केवल बैठ के मेडिटेशन करने से नहीं होगी, भगवान की सेवा एक प्रैक्टिकल कार्य है, डिवोशनल सर्विस है। तो जो कुछ है आपके पास वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा हमें, तब भगवान की सेवा होगी। अब उसके बाद वो चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो आगे के श्लोक हैं उनके ऊपर आते हैं और वो एक एक श्लोक को अच्छे से समझाते हैं। तो एक एक श्लोक जो उन्होंने लिखा है, पहले 15 जो श्लोक हैं वो एक्चुअली पूरी आदि लीला का एक इंट्रोडक्शन जैसा है। पहले 15 श्लोक ही पूरा एलाबोरेट करेंगे तो पूरी आदि लीला बन जाएगी। तो पहले वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली भगवान कौन होते हैं और भगवान के कितने मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो बताते हैं कि भगवान केवल एक
एक नहीं है, भगवान स्वयं भगवान है, फिर जो गुरु हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जो भगवान के प्रकाश वाले जो भी एक्सपेंशंस हैं, वो सब के सब जो हैं वो भगवान हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही बार में वो सबको प्रणाम कर देते हैं, लेकिन सबको प्रणाम करने के बाद में वो कहते हैं कि सेकंड वर्स में वो समझाते हैं कि स्पेशली वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, और वो कहते हैं कि वो कैसे हैं, जैसे एक सूर्य और एक चंद्र एक साथ उदय हो गया, और सूर्य और चंद्र जब एक साथ उदय होगा तो ये जो अंधकार है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। और ये सूर्य और चंद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु सूर्य हैं और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चंद्र हैं। तो फिर कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, दुनिया में लोग नहीं जानते कि ये कौन है कृष्ण चैतन्य। तो फिर प्रभुपाद सबसे पहले उनको पता है कि लोगों को उपनिषद पे ज्यादा भरोसा है, तो उपनिषद से एक श्लोक कोट करते हैं, ईशोपनिषद से, और वो कहते हैं कि भगवान जो है सारी सृष्टि के कर्ता हैं, और उनका इतना तेज है कि जब तक वो तेज रहता है तो कोई उनको देख नहीं पाता है। तो अगर आप शुद्ध भक्त हो तभी आप भगवान को देख पाओगे। इसीलिए प्रभुपाद कोट करते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, ये एफल्जेंस के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए आगे के श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे भगवान का एक जो है वो ब्रह्मन स्वरूप है, फिर उसके बाद में एक जो है लोकलाइज परमात्मा के रूप में भगवान है, और एक स्वयं भगवान के रूप में है। और फिर वो रूप गोस्वामी का कोट करते हैं कि रूप गोस्वामी को भगवान ने सिखाया था 10 दिन तक लगातार, और फिर उन्होंने महाप्रभु के बारे में क्या लिखा, रूप गोस्वामी ने लिखा है श्लोक, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नम। तो फिर उन्होंने 10 दिन उसको सुनने के बाद क्या लिखा कि आप सबसे महावदन्याय अवतार हैं, कृष्ण से भी ज्यादा, क्योंकि आप सबसे जो दुर्लभ वस्तु है प्योर लव ऑफ कृष्णा, वो आप बेस्टो कर रहे हैं सबको। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग यहीं से चालू होती है, कि टीचिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि सरेंडर टू कृष्णा। अगर आप सरेंडर करोगे तो बोले, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी कर्म योग के बारे में कुछ नहीं बोला, ज्ञान योग के बारे में कुछ नहीं बोला, हठ योग के बारे में नहीं बोला। इवन हम भगवद गीता में देखते हैं कि कहीं कहीं बोला, भागवतम के अंदर भी कंपेयर करके भक्ति की पराकाष्ठा को बताया, लेकिन चैतन्य चरितामृत में आपको भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोले जहां मायावादियों का बोलना बोलना रुक जाता है, बोले तब हमारा बोलना रियल डिस्कशन चालू होता है। ये प्रभुपाद का कोट है एक, कि मायावादी जब बोल बोल लेके थक जाते हैं, बोले उसके बाद हम बोलना चालू करते हैं। इसलिए बोले वेदांत सूत्र में बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो बोले करो ब्रह्म की जिज्ञासा, हम बताते हैं कि ब्रह्म कौन है। तो ऐसे भगवान को समझने के अलग अलग रियलाइजेशन है, इसको अपन कल और डिटेल में देखते हैं। तो बोले हम सब ने ये लव ऑफ गॉडहेड ये शब्द बहुत सुना है। अभी मैं बैक टू गॉडहेड का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रभु जी जिन्होंने लिखा है वो बोलते हैं कि ये लव ऑफ गॉडहेड बोले क्रिश्चियनिटी में भी बहुत फेमस फ्रेज है, भगवान से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। बोले लेकिन जितना चैतन्य महाप्रभु ने एलाबरेट करके उस बात को बताया कि किस किस तरीके से आप भगवान को प्रेम कर सकते हो और क्या उसका एक्सट्रीम हो सकता है, वो किसी भी और रिलीजन में नहीं है, इवन हिंदुइज्म में भी बाकी जगह पे नहीं है, ये केवल महाप्रभु ने हमको दिया। इस यही उनकी महावदन्याय अवतार की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में ये लव क्या होता है ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि लव जो है वो लस्ट है, एक्चुअली परवर्टेड है यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल लव जो है भगवान के पास में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत अच्छी लाइन है एक, कि इफ यू वॉन्ट रियल ट्रांसेंडेंटल लव वी हैव टू ट्रांसफर अवर लव टू द सुप्रीम लवेबल ऑब्जेक्ट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितनी बढ़िया समराइज किया प्रभुपाद ने, कुछ नहीं करना है, जैसे अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ना पैसा, एनईएफटी,
वैसा बस ट्रांसफर करना है आपको। बोले आप जो प्रेम कर ही रहे हो चीजों से, उसको बस ट्रांसफर कर दो, उसको एक अकाउंट में ले आओ, और वो एक अकाउंट किसका है? भगवान का है। तो हम उन चीजों से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल भी प्रेम करने लायक नहीं है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल शायद प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक पे देखा होगा कि लोग कुत्ते और बिल्लियों से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद कितने करुणामयी है, वो कहते हैं कि इनको नहीं पता है कि ये कुत्ते बिल्ली से प्रेम करेंगे तो अगला जन्म इनका कुत्ते बिल्ली का होगा। बोले इनको कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करना छुड़वाना पड़ेगा। बोले इसीलिए वैदिक टाइम पे कहा जाता था कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा पतिव्रता होना चाहिए ताकि मृत्यु के समय वो अपने पति को याद करें। तो उससे क्या होगा, अपने पति को मरते समय याद करेंगी तो अगला जन्म उनको मेल का मिलेगा, और जब मेल का मिलेगा तो उनको भक्ति में जल्दी प्रगति के चांसेस मिलेंगे, और इससे जो है वो स्पिरिचुअल साइंस को जल्दी समझ पाएंगे। अब उन प्रभुपाद को पता है कि सामने कौन लोग बैठे हैं न्यूयॉर्क में, तो तुरंत वो आगे बोलते हैं लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी है कि मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, और भगवान ने भगवद्गीता 9.32 में बोला है कि कोई भी मेरा शेल्टर ले सकता है, चाहे वुमेन हो, चाहे वेश हो, चाहे शूद्र हो, कोई लो बर्थ हो, वो मेरा एसोसिएशन ले सकता है, ताकि ये लेक्चर के बाद कोई क्वेश्चन ना पूछे प्रभुपाद से। तो चैतन्य महाप्रभु ने अगला क्या बोला कि हर शहर में भगवान का नाम होगा और हर जगह भगवान का नाम गाया जाएगा। तो बोले ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? बोले महाप्रभु ने ये देखा कि कृष्ण के रूप में जब वो थे कि राधा रानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो राधा रानी से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेजर मिलता है, लेकिन वो मुझसे क्यों प्रेम करती, मैं तो उनको कुछ भी नहीं देता हूँ। तो यही प्रेम को समझने के लिए महाप्रभु आए। तो एक श्लोक है इसमें जिसमें वो बहुत स्पेसिफिक बात बताते हैं कि क्या है महाप्रभु, कौन है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जिनके अंदर राधा रानी का भाव है और जिनके शरीर की कांति राधा रानी जैसी है। मतलब अंदर भी राधा रानी है, बाहर भी राधा रानी है, लेकिन बीच में कृष्ण है। तो कृष्ण व्हेन ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु व्हाट इज द लव ऑफ राधा रानी, देन ही कम्स एट एज चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो ऑर्डिनरी प्रेम नहीं है, फिर से प्रभुपाद उसको क्लियर कर देते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये कृष्ण का प्रेम समझने के लिए आपको भागवतम के पहले 9 स्कंद पढ़ने चाहिए। जब 9 स्कंद पढ़ोगे तो आपको कृष्ण का प्रेम समझ में आएगा, उनका जो राधा रानी के साथ में और गोपियों के साथ में भाव है वो आपको समझ में आएगा। बोले अगर आप 9 स्कंद पढ़े बिना आप 10वें स्कंद पर चले जाते हो, जो लोग गलती करते हैं, तो बोले वो कृष्ण भक्ति नहीं है, वो प्राकृत सहज्य लोग हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक लस्ट है उनके अंदर, और इसीलिए राधा कृष्ण को एग्जैक्टली हमको समझना पड़ेगा। तो राधा कृष्ण को एग्जैक्टली समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? राधा कृष्ण को एग्जैक्टली समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझेंगे हम राधा और कृष्ण को नहीं समझ सकते। फिर इसीलिए प्रभुपाद इसको क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं कि राधा रानी कृष्ण से सेपरेट है, राधा रानी कभी भी कृष्ण से सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जेटिक से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, जो पोटेंसी है वो पोटेंशियल से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। तो ये वैष्णव फिलोसॉफी है, ये बेसिस है वैष्णव फिलोसॉफी का। तो इसीलिए बोले हम सबसे पहले प्लेजर पोटेंसीज को जो है वो बो डाउन करते हैं, ओबिसेंसेस करते हैं, जैसे राधा कृष्ण। फिर वो उदाहरण देते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे सीताराम। तो हमेशा हम भगवान की प्लेजर पोटेंसी को पहले इसीलिए प्रणाम करते हैं। तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन कृष्ण जब एंजॉय करना चाहते हैं तो वो राधा कृष्ण अलग अलग हो जाते हैं, राधा रानी उन्हीं का ही विस्तार है, और फिर वो फिर समझना चाहते हैं उनको तो वो फिर एक हो जाते हैं। तो पहले एक थे, फिर वो 2 हो गए, फिर 2 हो गए, तो फिर 1 हो गए। ये ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स है जो चैतन्य चरितामृत में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं, इसके अगले वर्ष में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण कैसे चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म लेते हैं। तो वो जो हमने समझा कि क्या स्पेशल मेरी क्वालिफिकेशन है जिससे वो
मेरे प्रति आकर्षित होती है, उसी को समझने के लिए वो आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का ओबिसेंसेस हो गए, अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब नित्यानंद तत्व को समझाते हैं। तो सातवें श्लोक से आगे वो नित्यानंद के तत्व को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि बलराम जो हैं वो महाविष्णु के ओरिजिन हैं। तो कृष्ण के पहले एक्सपेंशन कौन हुए? बलराम हुए, और फिर इनसे संकर्षण आते हैं, फिर आगे चतुर्षु का एक्सपेंशन होता है। तो ये पूरा समझाते हैं, फिर वो जो तीन पुरुष अवतार हैं उसके बारे में बताते हैं। तो वो दो श्लोक में ही सब कुछ समेट देते हैं, इतना ब्यूटीफुल है कि दो श्लोक में ही टेल्स एवरीथिंग, जो हमको समझने में सालों लग जाते हैं वो दो श्लोक में पूरा समराइज कर देते हैं। एक श्लोक में तो पूरा तीनों पुरुष अवतार बता देते हैं। अमेजिंग वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, अमेजिंग। तो महाविष्णु कौन है? एक्चुअली बलराम के एक्सपेंशन है, जो कि कृष्ण के पहले एक्सपेंशन है, जो कि वृंदावन के पास टाइम में रहते हैं। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो राम जो है वो बलराम है, यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने क्लियर। तो ये लेकिन ये राम जो है ये बलराम है, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी बलराम है, इसलिए ये राम नित्यानंद प्रभु भी है। तो इस तरीके से जो कृष्ण है ये चैतन्य महाप्रभु भी है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए, दिस इज द मतलब छुपा के प्रभुपाद ने एक जगह लिख के छोड़ दिया उसको, जिसको पढ़ना है समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना कोई बात नहीं। अलग अलग समय प्रभुपाद से अलग अलग पूछा गया, प्रभुपाद ने हर बार उसका अलग अलग उत्तर दिया। उसके पीछे रीजन होगी, वी आर नॉट द राइट वन टू अंडरस्टैंड इट, बट एक यहाँ पे क्लियर उन्होंने लिखा है इस बात को। तो अब सब्जेक्ट विषय वस्तु क्या है चैतन्य चरितामृत की? तो चैतन्य चरितामृत मेनली डील करती है जो मटेरियल क्रिएशन है उसके बियॉन्ड क्या है। उससे मटेरियल क्रिएशन माया इल्यूजन, जिसका कोई इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो टेम्पररी है, उसका कोई भी बातचीत आपको चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलेगी। तो इसके बियॉन्ड जो भगवान का लोक है उसके बारे में वो बात करती है। तो फिर वो आते हैं स्पिरिचुअल मास्टर की बात पे, कि ये पूरा जो लीनियत चल रहा है, नारद ने ज्ञान दिया, फिर व्यास देव माधवाचार्य, माधवाचार्य से माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य महाप्रभु अगर स्वयं कृष्ण है तो उनको स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता क्या है? तो बोले वो एक आचार्य का रोल निभा रहे थे, और इसलिए उन्होंने जो लोकाचार है उसके कारण उन्होंने एक स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट किया। तो नॉलेज के लिए नहीं किया, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे इसलिए किया। और इस प्रकार से वो नॉलेज कैसे आता है हृदय में? तो बोले दो तरीके से नॉलेज रिसीव किया जा सकता है। एक डायरेक्टली सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडेड से, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, जिसको हम बोलते हैं चैत्य गुरु। और दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन किसी गुरु के माध्यम से आ सकती, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन हमको समझना चाहिए। गुरु को स्वयं को नहीं मानना चाहिए कि वो कृष्ण का एक्सपेंशन है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए। तो ये जो चैत्य गुरु हैं एक्चुअली ये क्या है? ये शिक्षा गुरु हैं। तो जो भी शिक्षा गुरु हमें कोई मिल रहा है तो वो क्या है? वो चैत्य गुरु का एक्सपेंशन है। ये डिफरेंस समझना चाहिए। शिक्षा गुरु हमारे परमात्मा के रूप में, जो भगवान अंदर बैठे हैं, उनका एक्सपेंशन है। और जो दीक्षा गुरु है, जिसको हम सरेंडर करेंगे, जिनसे दीक्षा लेंगे, वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेशन। ये बात क्लियर हो गई? दोनों अलग अलग हैं, एक परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है और एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसके बाद श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं कि वैकुंठ प्लैनेट्स के बारे में वहाँ पे बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है, और ऐसे ही चैतन्य चरितामृत के बारे में भी, चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बोले ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम इनको, या हमारे जो नॉलेज प्राप्त करने के तरीके उनसे हम नहीं सीख सकते, ये शब्द प्रमाण से हमको मानना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद इसको कहते हैं कि बोले शब्द प्रमाण तो हम आज भी मान रहे हैं, बोले हम टेलीफोन से, रेडियो से, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो शब्द प्रमाण ही तो है। बोले ऐसे ही शब्द प्रमाण हमको भगवान की साउंड वाइब्रेशन को भी मानना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है।
इसके बाद वो बताते हैं कि वेद जो है वो हमें ये मटेरियल वर्ल्ड जो हमको दिखता है इसके आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वहां के स्काई वैकुंठ लोक उस सब के बारे में बताते हैं, जो कि 3/4 भगवान की एनर्जी है, एक्चुअली 1/4 यहाँ पे एनर्जी है। तो ये वैकुंठ लोक हैं बहुत सारे, जहाँ पे संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव के रूप में भगवान वहां पे विहार करते हैं। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जो पूरी मटेरियल यूनिवर्स है ये किससे आई है, महाविष्णु से आई है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो बच्चा होता है, बोले ऐसे ही महाविष्णु अपनी वाइफ माया के साथ मिलते हैं तो ये मटेरियल नेचर का जन्म होता है। और इसीलिए भगवान अपने आप को भगवद गीता 14.4 में क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, बताऊंगा मैं। इस प्रकार से महाविष्णु के कारण ये पूरी सृष्टि की रचना हो रही है। और ये महाविष्णु किससे आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं। तो विष्णु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और एक्चुअली वो उनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है कि उससे ब्रह्मा पैदा हो। ब्रह्मा जी को पैदा तो वो केवल लोटस फ्लावर पे कर देते हैं अपने। वो तो बेसिकली विष्णु जिस तरह से सृष्टि करते हैं वो हम जैसे एक्सपेंड करते हैं अपने आप को फैमिली के रूप में, वैसा नहीं होता है। तो ये भी बात, बहुत सारी यूनिवर्स स्किन पोर से महाविष्णु के निकल जाती है, तो ये बहुत यूनिक बात है। और टाइम के बारे में फिर प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत बड़ी टाइम स्केल है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। फिर 10वें और 11वें वर्ष में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय विष्णु को कैसे वो एक्सपेंशन है इसको बताते हैं, और किस प्रकार से ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये पहले जो 11 वर्ष हैं चैतन्य चरितामृत के, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं हैं, नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं स्वयं, और फर्स्ट एक्सपेंशन है उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने चैतन्य के महाप्रभु के जो तत्व है उसको देख लिया, हमने नित्यानंद प्रभु के जो तत्व है उसको देख लिया। अब उसके बाद में 12th और 13th वर्ष में वो अद्वैत आचार्य के बारे में बताते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के मेन एसोसिएट हैं, और अद्वैत आचार्य प्रभु हैं जिसकी वजह से भगवान यहाँ पर आए। और वो कौन है, वो स्वयं महाविष्णु के और शिव के कंबाइंड अवतार है। तो अद्वैत आचार्य भी भगवान है, प्रभु है प्रिसाइजली, क्योंकि वो अद्वैत जो है वो नॉन ड्यूअल है। क्यों नॉन ड्यूअल है, क्योंकि वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, महाविष्णु और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो इसीलिए उनका नाम अद्वैत है। और आचार्य क्यों, क्योंकि वो बहुत महान टीचर है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं स्वयं, और वो डिवोटी के रूप में आए यहाँ पे सिखाने के लिए, ऐसे अद्वैत आचार्य भी जो हैं वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो यहाँ पे भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। फिर उसके बाद में पंच तत्व का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब ये पंच तत्व का कॉन्सेप्ट हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि ये बेसिकली चैतन्य चरितामृत के कारण ये एस्टेब्लिश हुआ, पहले पंच तत्व का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश नहीं था। तो 5 डिफरेंट फीचर्स या पंच तत्व हैं, इनको वो 14th वर्ष में प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण और उनके एसोसिएट्स, तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर प्रभु और शिवास प्रभु, ये सब मिलके बनते हैं पंच तत्व, मतलब भगवान और उनकी एनर्जीज और उनका भक्त, ये पूरा पंच तत्व को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो प्रे करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई दयालु यहाँ पर नहीं है। और बोले अगर आप यहाँ आए हो एक मिशन लेके कि आपको सबसे जो पतित व्यक्ति है उसका उद्धार करना है, तो बोले मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं है, तो बोले मेरी प्रायोरिटी होना चाहिए, मेरा नंबर पहले आना चाहिए। तो ये उनका भाव है नरोत्तम दास ठाकुर का। फिर 15th वर्ष में कृष्णदास कविराज गोस्वामी डायरेक्टली अब कृष्ण को जो है वो ऑफर करते हैं अपनी प्रेयर्स, और ये बताते हैं वो कि यहाँ पे प्रभुपाद उनका बैकग्राउंड जो हमने अभी डिस्कस किया था वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो एक राधा कृष्ण की वर्शिप करते थे, और फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने बोला कि जाओ तुम ये सब छोड़ के घर अपना कटवा का
कहाँ चले जाओ? उसी रात को बोले निकल जाओ वृंदावन के लिए। और जो वृंदावन में बहुत वृद्ध हैं अब वो, और अब वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। तो बोले उस समय जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी रह रहे हैं वृंदावन में, तो वो आज के जैसा वृंदावन नहीं है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं तब, और अभी के जैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा अब हो गया वृंदावन। तो यहाँ तीन प्रिंसिपल बोले मंदिर हैं बस, एक मदन मोहन जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, और इन तीनों को अब वो प्रे करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बोले मेरी प्रोग्रेस स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्लो चल रही है, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। तो हेल्प चाहने के लिए सबसे पहले विग्रह किन को अप्रोच करना चाहिए, जिनसे हमारा संबंध बनेगा, वो है मदन मोहन जी के विग्रह, क्योंकि ये हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करा सकते हैं, ये हमारे संबंध मूर्ति हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहला हमारा क्या है कि कृष्ण कौन है और कृष्ण से मेरा क्या संबंध है। तो कृष्ण को जानना, स्वयं को जानना और संबंध को जानना, ये जानने में कौन हेल्प करेगा हमें? मदन मोहन जी के विग्रह हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद में 16th वर्स में वो गोविंद देव जी को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं गोविंद देव जी के लिए कि ये फंक्शनल ड्यूटी है हमारी, उसको कहते हैं फंक्शनल ड्यूटी। बोले गोविंद देव जी फंक्शनल ड्यूटी है। फंक्शनल ड्यूटी क्यों है? क्योंकि वो ये बताती है कि कैसे राधा कृष्ण की सेवा की जाए। अभी तो केवल संबंध बना था, बोले संबंध बनने से आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, तो सर्वेंट हो तो कुछ करो, तो क्या करना है वो गोविंद देव जी सिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं कि किस प्रकार से सेवा भगवान की किस भाव में करनी है। तो फिर वो प्रभुपाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृंदावन है, उन जो सारे वहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं, बोले वो टच स्टोन से बने हुए, जो गोएं हैं वहाँ की गायें हैं वो सुरभि हैं, और जो पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष हैं, तो जो इच्छा हो वो उसको पूरी कर देते हैं। और ऐसी हजारों हजारों गोपियां वहां पे सेवा कर रही हैं इनकी। और कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं तो उसी वृंदावन को वो लेकर आते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि यहाँ कोई उनके लिए वृंदावन दूसरा बनता है, सेम वृंदावन उसको वो लेकर आते हैं। तो उनके साथ उनकी धरती भी वहीं से आती है, तो इसलिए वृंदावन को हम ये नहीं मानते कि वो मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, वो प्रोजेक्शन है, वहीं से आ रहा है। इसलिए वृंदावन में भारत के लोग जब जाते हैं तो वो उनको ये समझना चाहिए कि वो वही वृंदावन है, उसी वृंदावन को यहाँ पर लेकर आए। तो फिर बोले लेकिन कोई ये कह सकता है कि अभी हम जाते हैं तो वो पेड़ हैं, तो वो कल्पवृक्ष कहाँ हैं, हम उनसे मांगते हैं तो कुछ मिलता नहीं हमको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब गोस्वामी थे तो ये सब कल्पवृक्ष ही थे, बोले पर अब बोले लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जाओ खड़े हो और कुछ भी मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, बोले इसके लिए तुमको पहले डिवोटी बनना पड़ेगा। बोले जो गोस्वामी थे वो हर दिन एक पेड़ के स्टैंडर्ड बता दिया प्रभुपाद ने, बोले बनना है ना डिवोटी, तो गोस्वामी जो थे वो हर दिन एक नए पेड़ के नीचे रात को रहते थे, और बोले उनकी सारी इच्छाएं उस पेड़ के नीचे पूरी हो जाती थी। तो बहुत अच्छी लाइन, वृंदावन इज एक्चुअली एक्सपीरियंस एज इट इज बाय पर्संस हु हैव स्टॉप्ड ट्राइंग टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। और फिर से, और जितने हम कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, जितने हम एडवांस होंगे, उतने हम जो है वो स्पिरिचुअल चीजें हमें रिवील होंगी, प्रभुपाद ने बहुत क्लियर यहाँ पे बोला। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि वृंदावन जो भारत में है और जो गोलोक वृंदावन, बोले सेम है, इसीलिए वो 16th वर्स में चैतन्य चरितामृत के एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण जो हैं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और उनका जो सिंहासन है उसमें बहुत सुंदर सुंदर मोती रत्न लगे हुए हैं, और कृष्ण की जो डियर गोपी फ्रेंड्स हैं वो राधा और कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कुछ गा रही हैं, कुछ डांस कर रही हैं, कुछ उन्हें पान ऑफर कर रही हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट्स दे रही हैं, कुछ उनको डेकोरेट कर रही हैं फ्लावर्स से। और बोले आज भी भारत में लोग इस सीन को रिक्रिएट करते हैं जुलाई अगस्त के समय जब झूलन यात्रा होती है, तो उस समय बोले सब वृंदावन जाते हैं और उन डीटीज को इस तरह से इस श्रृंगार में देखते हैं।
और फिर उसके बाद वो गोपीनाथ जी को डिस्क्राइब करते हैं कि गोपीनाथ जी अब कौन है। गोपीनाथ जी हैं जो कृष्ण हैं मास्टर और प्रोपराइटर हैं सारे गोपियों के, वो हैं गोपीनाथ। और वो जब अपनी बंसी बजाते हैं तो सारी गोपियां कावर्ड गर्ल्स जो हैं वो उसको सुन के अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उनके पास आ जाती हैं उनके साथ नृत्य करने के लिए। बोले ये बात 10th कैंटो में भागवतम में दी गई। और ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कृष्ण की चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और काफी की अभी अभी शादी भी हो चुकी है क्योंकि इनकी उम्र 12 साल के आसपास की है, 12-13 साल की। बोले लड़कियों की शादी जनरली इंडिया में 12 साल तक हो जाती है, लड़कों की शादियां नॉर्मली 18 साल पे होती है, इसलिए कृष्ण की अभी शादी नहीं हुई है। तो कृष्ण अभी अनमैरिड है और इनमें से कुछ गोपियां जो है वो जस्ट मैरिड हैं। और फिर उसके बाद कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बोले इस डांस को रासलीला डांस कहते हैं। तो कृष्ण इसलिए गोपीनाथ हैं क्योंकि वो सारे गोपियों के नाथ हैं। और फिर उसके बाद गोपीनाथ जी को प्रे करते हैं कि हे गोपीनाथ मास्टर ऑफ गोपीज कृष्णा प्लीज ब्लेस अस, मे यू बिकम ब्लेस बाय गोपीनाथ। तो ये बेनेडिक्शन दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हम सबको कि अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो गोपीनाथ जी हमें भी यही मर्सी बेस्टो करेंगे और फिर हमको भी किसी दिन ऐसी फ्लूट सुनाई देगी और हमारा मन भी भगवान की फ्लूट और ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन को अट्रैक्ट होगा। ये प्रभुपाद का इतना सुंदर इंट्रोडक्शन है, इसका सच ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। ही इज कवर्ड एवरीथिंग इन सच ए स्मॉल स्पेस, अमेजिंगली क्राफ्टेड, ग्रेट।